What's up everyone, Heather, Dania, welcome to an amazing video of this year's India. ट्रिपल सेवन चार्ली 777 चार्ली ट्रेलर आ गया है। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आती हूँ, ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ ले गया क्योंकि हर लैंग्वेज में आया और बहुत तगड़े व्यूज आ रहे हैं और नाम से ही कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है ये ट्रेलर ट्रिपल सेवन चार्ली। देखते हैं यहाँ पे करते हैं यहाँ पे ट्रेलर स्टार्ट। लेकिन ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले। ओके headphones for better experience. Ram last person. Oh, काफी unique सा लग रहा है। Dogs? Oh. मेरा नाम है धर्मा। ओए धर्मा, अधर्मी है तू। जिंदगी में कभी इसका कुछ नहीं हो सकता। अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ। देखो आदि, अगर तुम नहीं खाओगी तो हिटलर मामा तुम्हें ले जाएंगे। पर लोगों का नजरिया कुछ अलग है। बाल बच्चे होते तो पता चलता। घर, फैक्ट्री, लड़ाई, इडली, सिगरेट, बियर, बस यही है जिंदगी में और कुछ नहीं। इसको तो कुत्ता भी नहीं पूछने वाला। मेरे पास अडॉप्शन के बहुत कॉल्स आते हैं, उनमें से ही किसी को फंसा कर तुम्हें बता दूंगा। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, टॉर्चर कर रखा है इसने। डॉग लाइसेंस होगा तो काम जल्दी होगा। इसलिए खाना क्या खिलाते हो? इडली। कुत्ते को सिर्फ इडली खिलाते हो? साथ में चटनी। तू इसे घर से बाहर निकालता है कि हम सब लोगों को मिलकर तुझे ही कॉलोनी से बाहर निकालना पड़ेगा। आप अपने कुत्ते की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हो, ऐसा कंप्लेन मिला है। ओए, ये कुत्ता कैसे अंदर आया? साहब, ये अमूल इसके पीछे पीछे भागते हुए आया है। Every dog has its day. Today is Charlie's. You and Charlie will have a best experience. A tale of Dharmaraj and Kaliyug. Charlie! आगे landslide हुआ है, people have died. ये सब नहीं जानता मैं. Sir, request कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ sir. चार्ली, कितना प्यार करती हूँ उनसे। सो स्वीट। I love you too, Charlie. Thanks, John. Thank you. ना इतनी लैंग्वेजेस में आ रही है। नाइस यार, क्या कमाल की फिल्म है। न्यू स्टोरी है, बिल्कुल यूनिक स्टोरी। मतलब मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी है, व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन लाइफ, लाइफ स्टार्ट्स इंटरेस्ट इन यू। क्योंकि मुझे ये याद है ना, जब ये चार्ली आती है ना ऐसे घर में, तो इवन
सुबह के टाइम वो उसको जबरदस्ती उठाती है और तैयार होती है, मैंने इसे कपड़े भी खींचे कि दूसरे कपड़े पहनो और जा आप ऑफिस। और लेकिन एट द सेम टाइम पे कुछ जो नेबर्स होते हैं वो उनको भी हाँ। वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं चार्ली की वजह से, वो कंप्लेन करते हैं कि इसको निकालो, लेकिन ये नहीं निकालता, खाने में इडली खा रहे होते हैं, ये कहते हैं सर चटनी भी देते हैं। तो ये वो जो डॉग वो जो क्या कहते हैं NGOs कह लें या फिर वो जो पेट हाउसेज होते हैं वो जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ना, तो वो एक लड़की भी दिखाया कि एंड टाइम के ऊपर इनके साथ आती है, वो भी देख रही होती है, नोटिस कर रही होती है। मतलब काफी स्ट्रगल में दिखाया कि इन दोनों का जो बॉन्ड, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो लैंडस्लाइडिंग आई हो, चाहे वो कहीं पे इन्होंने ट्रैवल करना हो, उस वक्त भी वो इन दोनों का जो बॉन्ड है वो साथ ही होता है और एक दूसरे के साथ चलते ही जाते हैं। और लास्ट में थोड़ा इमोशनल सीन था, वो गले जब लगते हैं उसके बाद इमोशनल और एक क्यूट सीन था। बट ओवरऑल मूवी का कंसेप्ट अच्छा है, एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो पेट लवर्स होते हैं ना वो बाकी में पेट से बहुत प्यार करते हैं, उनको मतलब अपनी औलाद की तरह अपने पेट से प्यार होता है कि जैसे अपनी औलाद होती है वैसे ही वो प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के मूवीज बनाने का एक और तरीका भी है ना कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि एनिमल राइट्स भी होते हैं, कि आप गली में भी या मोहल्ले में भी अगर कहीं कुछ भी देखो, चाहे बिल्ली हो चाहे डॉग्स हो कोई भी हो, तो आप उनको कुछ खाने पीने को दे दो, उनको मारा ना करो, उनको तकलीफ ना दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है। और बहुत सी ऐसी वीडियोस आती हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी काफी टाइम पहले, रात का टाइम था, किसी ने ना बिल्ली की फर होती है ना हाँ। उसको किसी ने लाइटर से आग लगा दी, वो बिल्ली को पूरी आग लगी और वो भागती जाए और इवन वो आग बुझे ही ना उसके वो पर, मुझे लगता है जब तक सब जला होगा तब तक वो आग नहीं बुझी होगी। लोग ऐसे बेरहम होते हैं, कभी डंकी को वो बांध के पानी में गिरा देते हैं, कभी कुत्तों को मारते हैं। तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, इनके लिए लॉज बनने चाहिए कि एनिमल्स को भी एक जानदार चीज है, वो कोई दीवार या पत्थर नहीं है कि आदमी नुकसान, उनको दर्द नहीं होता, उनके लिए भी राइट्स होने चाहिए। और ये मूवी मतलब अच्छा है एनिमल राइट्स के लिए, कहने के लिए कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में किताबों से ज्यादा या लिखी हुई चीजों से ज्यादा विजुअल बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन माइंड के ऊपर एजुकेट करने के लिए। तो एक सेल्फ अवेयरनेस है, एक सोशल अवेयरनेस है, एक मैसेज है। तो आई लव द मूवी ट्रेलर। आपका जो ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इस मूवी की एक अच्छी बात यह है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रही है, सिर्फ एक लैंग्वेज तक स्टिक नहीं है। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना है, रखना है आप अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को बनना है, सब्सक्राइब। Good luck.